हेलो फ्रेंड्स चलिए आज देख लेते हैं आपका टॉपिक रहने वाला है एक्सरसाइज 5.1 तो बात करेंगे आज क्वेश्चन नंबर फोर्थ के इसके पहले वाले लेक्चर में जस्ट आपको क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर में क्वेश्चन सेकेंड एंड थर्ड और इस लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर फोर्थ मिलने वाला है बेस्ट आप लगे चलिए स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन क्या रहेगा दोस्तों क्वेश्चन है विस ऑफ द फॉलोइंग्स आर ए पी एस कौन सा टॉपिक ये जो नीचे दिए गए आपका क्वेश्चन जैसे फर्स्ट हम ले लेते हैं गेस्ट कर लेते हैं आपकी सीरीज दी गई है टू फोर एट सिक्सटीन एंड सो so ऑन तो विस ऑफ द फॉलोइंग आर ए पी एस कौन सी ए पी है फॉलोइंग ये टॉपिक इफ़ दे फॉर्म आ पी यदि ये सीरीज ए पी होती है सेम यही नहीं प्रोसेस करना है आपको सब कुछ करना है इसमें लगभग बारह तेरह दिए गए हैं तो फाइंड द कामन डिफरेंसेज एंड द राइट थ्री मोर टर्म्स अगर ये ए पी होते हैं ये नीचे वाले सीरीज़ ए पी होते हैं तो आपको कॉमन डिफरेंसेज यानी डी एंड आपको थ्री टर्म्स और भी ज्ञात करने होंगे तो बेस्ट आप लग चलिए देख लेते हैं आप स्टार्ट करने वाले हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो आई गेस आप यही सोच रहे होंगे कि ए पी ना हो तो देख लेते हैं पहले बहरहाल देखते हैं सबसे सब पहले हम ए पी निकालने के लिए हम कॉमन डिफरेंसेस लेंगे ए आपका रहने वाला है टू हम देख लेंगे ए यहाँ पे फर्स्ट टर्म्स टू एंड डी जब हम निकालेंगे डी इक्वल टू ए टू माइनस ए वन ये फार्मूला होता है ए टू आपका फोर है माइनस टू इक्वल टू टू इसमें भी आ रहा है फिर डी इक्वल टू फिर ए थ्री टर्म्स आपके ए थ्री माइनस ए टू करेंगे ये थ्री टर्म्स ये मान लेते ए वन ए टू ए थ्री एंड ए फोर ये आपके टर्म्स हो गए ए थ्री माइनस एट तो एट माइनस फोर इक्वल टू फोर आएगा टू नहीं आएगा फोर आएगा तो आप क्या जान रहे हैं कि टू फोर और भी निकाल सकते हैं एंड सो ऑन अभी तो जस्ट आपको नेक्स्ट वाले लेक्चर में मिलने वाला है फाइव पॉइंट वन में उसमें दोस्तों बताया बताया जाएगा आपको कैसे हम पेंसर टर्न कैसे निकालते हैं तो इतना हो गया ये आपका ए पी नहीं है कैसे नहीं है क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो हम नाव यहाँ पे लिखेंगे ए टू माइनस ए वन इज नॉट इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू और भी निकालते हैं तो ए फोर माइनस ए थ्री यहां पे ये इसको कंडीशंस को सोल नहीं करता है सो दिस टर्म्स या फिर क्वेश्चन में आपके यही पूछे गए हैं पुटअप किए गए हैं तो आप ये टर्म्स लिख सकते हैं यहां पे लिख लेंगे टू सो टू फोर एट एंड सिक्सटीन डज नॉट फॉर्म एन एपी ओके इतना बात हो गया यहाँ तक आपको समझ में आ गया यहाँ तक क्लियर हो गया तो चलिए जब फॉर्म ए पी की नहीं है तो आपको थ्री टर्म्स भी नहीं निकालने हैं अगर ये फॉर्म ए पी की होती तो आप किसके डी की वैल्यू निकाल करके आप उसे कॉमन फैक्टर में थ्री और टर्म कर देते चलिए बात करेंगे सेकंड वाले स्क्रीन शॉट ले लीजिए फटाफट नोट डाउन कर लेते हैं अगर आप फर्स्ट वाले में पढ़े हैं तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा फ्रेंड ये सेकंड वाला क्या प्रोसेस होता है सेकंड में जैसे हम प्रोसेस करेंगे ये सेकेंड का प्रोसेस आपको क्वेश्चंस दिया गया है टू फाइव बाई टू उसके बाद है थ्री एंड सेवन बाई टू यहां तक आपका मेथड हो गया टू फाइव बाई टू थ्री एंड सेवन बाई अब यहाँ पे नाउ डी निकालते हैं डी आपका होता है ए टू माइनस ए वन ओके वही सेम प्रोसेस कहते हैं अगर ए पी निकल गई तो आपको थ्री टाइम्स और भी कंफर्म करने होंगे तो ये हो गया फ़ाइव बाई टू माइनस टू इक्वल टू हम कर सकते हैं टू एल सी एम ले लेंगे ये हो जाएगा फाइव माइनस फोर वन बाई टू ऐसे सेम प्रोसेस नेक्स्ट डील निकालेंगे लेंगे ए थ्री माइनस ए टू सिर्फ आप टू टर्म्स ए डी के निकालेंगे सॉरी डी के अगर टू टर्म्स निकाल लेते हैं तो आपको ऑलरेडी कन्फर्म हो जाएगा तब आपको और भी प्रोसेस नहीं करने की ज़रूरत होगी ओके okay? तो आप यहाँ पे कर लेंगे थ्री माइनस फाइव बाई टू फिर एल सी एम ले ले लेते हैं टू आ गया ये हो जाएगा सिक्स माइनस फाइव इक्वल टू वन बाई टू देख रहे हैं प्लस वन बाई टू सेम डिफ्रेंसेस आपके आ रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाव ए एन प्लस वन माइनस ए एन इज सेम इज सेम क्यों सेम है क्योंकि ये तो ऑलरेडी ए एन प्लस वन माइनस ए एन आपका फार्मूला ही है यहाँ तक आप समझे ही हैं क्योंकि ये देखिए ए एन प्लस वन अगर एन की वैल्यू हम ए लेते हैं तो ये वन प्लस वन हो जाएगा माइनस ए वन इसे लिख सकते हैं ए टू माइनस एवन यही फार्मूला होता है अगर ए की वैल्यू हम टू लेते हैं एन की वैल्यू तो हो जाता है ए टू प्लस वन माइनस ए टू तो ये हो जाएगा ए थ्री माइनस ए टू यही तो प्रोसेस हम निकालते हैं ए टू माइनस एवन ये देखिए ए थ्री माइनस तो फर्स्ट वाला फार्मूला ए यन प्लस वन माइनस ए एन पी पर भी आपका आधारित है चलिए अब बात करेंगे हम नौ सेकेंड यहाँ तक आप लिख लेंगे तो चलिए फ्रेंड्स जब ये आपका नाव ए एन प्लस वन एन आ एन इज सेम एवरी टाइम एवरी टाइम लिखिए या फिर ना लिखिए बात आपकी प्रोसेस एक ही होगी यहाँ तक आपका कन्फर्म हुआ अब हम नाव लिख सकते हैं सो द गि इक्वेशन सॉरी गिवेन इक्वेशन पढ़ते पढ़ते इक्वेशन को ज़्यादा पढ़ने लगे क्यों सो दिवन टर्म्स टर्म्स क्या होते हैं Questions में फाइंड कॉमन डिफरेंसेस, तो ये जो गिवेन नंबर्स हो जाएंगे नंबर्स फॉर्म ऑफ एन एपी ओके यहाँ तक कन्फर्म हो गया कहने का मतलब है अगर ये देखिए टर्म्स सेम होते हैं तो ये आपके जो नंबर होंगे सो द गिवन नंबर्स फॉर्म एन एपी ये आपके क्या हो जाएंगे एपी हो जाएंगे और जब आप जानते मे नो दैट हम लिखेंगे वी नो देट हमें कन्फर्म है कि जब आपको ए पी uh, हो गया है तो आपको क्वेश्चन में क्या गया था थ्री टर्म्स निकालने के लिए तो ना डी इक्वल टू हम लिख सकते हैं वन बाई टू कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है नेक्स्ट थ्री टर्म्स नेक्स्ट थ्री टर्म्स हम देख लेंगे नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या होता है ए फाइव ए फोर तक हम मार्क निकला फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ तक निकला ए फाइव हम जब करेंगे तो ए फोर प्लस डी होगा ओके ए फोर प्लस डी करेंगे मतलब सेवन बाई टू प्लस डी की वैल्यू आपकी वन बाई टू आई है ऐड कर देंगे हम सेवन प्लस वन बाई टू इक्वल टू एट बाई टू ये जब हम सब्सट्रैक करेंगे तो हो जाएगा फोर ओके यहाँ तक आपको आ गया फिर ए सिक्स हम से निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा ए फाइव प्लस डी ए फाइव आपकी वैल्यू फोर आई है फोर प्लस वन बाई टू ये हो जाता है एट प्लस वन बाई टू इक्वल टू नाइन बाई टू एंड फ ए uh, सेवन निकाले थे कैमरे में अच्छे से देख रहा है दोस्तों इतना आप लिख लीजिए फिर हम टेन्थ ए सेवन वाला आपका प्रोसेस बता रहे हैं ए सेवन जब हम निकालेंगे तो हो जाता है ए सिक्स क्योंकि सेवन के पहले सिक्स आएगा ए सेवन सिक्स प्लस डी ए सिक्स की वैल्यू नाइन बाई टू प्लस डी की वैल्यू वन बाई टू आपके सेम डिनोमिनेटर हैं हम ऐड कर लेंगे टेन बाई टू हो गया सबसे करने पे फाइव कनेक्ट मतलब आप निकाल लिए डी से कॉमन फैक्टर सेम आ रहे हैं तो आपका एपी है एपी है तो गिवेन नंबर फॉर्म एन एपी जब इंडिकेट कर रहे हैं डी इक्वल टू हम निकाल सकते हैं कितना था आपका सेम वही प्रोसेस आएगा अगर नहीं सेम आते हैं तो समझिए वो एपी नहीं है जैसे फर्स्ट वाला हम सॉल्व तीनों टर्म्स निकालिए फोर टर्म्स थे फाइव सिक्स एंड सेवन जानते हैं ए फाइव इक्वल टू ए फोर प्लस डी तो यहाँ तक आपको कन्फर्म हो गया चलिए अब हम इसकी शॉर्ट ले लेते हैं उसके बाद आपको आफ्टर दैट हम नेक्स्ट वाला बताते हैं चलिए अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की थर्ड पॉइंट आपका कैसे रहेगा सेम यही प्रोसेस रहने वाले हैं थर्ड वाले में हम करेंगे सब कुछ यही प्रोसेस दिया गया है माइनस वन बाई टू वन पॉइंट टू सॉरी माइनस वन पॉइंट टू माइनस थ्री पॉइंट टू आफ्टर दैट माइनस फाइव पॉइंट टू फिर कमा माइनस सेवन पॉइंट टू यहाँ तक आपको हो गया यहाँ तक समझ में आ गया माइनस वन पॉइंट टू थ्री पॉइंट टू माइनस फाइव पॉइंट टू सेवन पॉइंट टू एंड सो ऑन अब इसमें अगर आपको निकालना हुआ तो कैसे करेंगे हम यहाँ पे नाम लिख सकते हैं d इक्वल टू आप लिख सकते हैं a2 टू माइनस ए वन कोई प्रॉब्लम्स माइनस थ्री पॉइंट टू फिर 20 में माइनस करेंगे ये वैल्यू आपकी वन पॉइंट दिया ही गया है वो कितना जाता है माइनस थ्री पॉइंट टू माइनस माइनस प्लस वन पॉइंट टू सब्सट्रैक कर देंगे वन पॉइंट टू दोनों सब्सट्रैक कर देंगे तो हो जाता है जीरो टू कहने के मतलब टू आ जाएगा इसकी वैल्यू टू आएगी वो भी कैसे माइनस में क्योंकि सब्सट्रैक ये बड़ा है तो माइनस टू आ गया ओके यहाँ पे पॉइंट ज़ीरो हम लगा सकते हैं नाव हम डी की वैल्यू पर निकालते हैं ए थ्री हो जाएगा ए थ्री माइनस ए टू ए थ्री की वैल्यू माइनस फाइव पॉइंट टू माइनस फिर भी इसमें माइनस थ्री पॉइंट टू इक्वल टू हम कर सकते हैं माइनस फाइव पॉइंट टू माइनस माइनस प्लस वन थ्री पॉइंट टू जब हम नाव सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये फिर भी इसमें माइनस टू कहने का मतलब आपका यही प्रोसेस आता है तो सेम प्रोसेस माइनस टू आ रहे हैं डिफ्रेंसेस आपके सेम आ रहे हैं तो नाव ए एन प्लस वन माइनस ए एन फॉर्म ऑफ इज सेम इज फॉर्म ऑफ एंड ए पी इतना लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं इज सेम इज सेम सो गिवेन नंबर्स हम लिख सकते हैं सो गिवेन नंबर्स जो नंबर से दिया गया फॉर्म एन ए पी फॉर्म एंड ए पी जब आपके ये सेम नंबर होंगे तो आपके ए पी हो जाएंगे यहां तक अंडे स्टैंड हो गया चलिए अब फिर हम आगे देखेंगे आपके आपके क्वेश्चन क्या कहता है फॉर्म एम ए पी हो गया अब नाउ हम देख लेंगे सेम जब ए पी हो गया है तो हम निकालेंगे डी इक्वल टू वन बाई टू सॉरी माइनस टू डी इक्वल टू माइनस टू हो गया थ्री टर्म्स नाव निकालते हैं नाउ नेक्स्ट थ्री टर्म्स थ्री टर्म्स निकालेंगे तो ए फाइव निकालेंगे ए फाइव आपका कितना हो जाएगा ए फोर प्लस डी विनो देट ए फोर आपका है माइनस सेवन पॉइंट टू और ये क्या है प्लस ये बीस में माइनस टू तो इक्वल टू तो हम लिख सकते हैं माइनस सेवन पॉइंट टू माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया टू पॉइंट ज़ीरो इतना कर सकते हैं माइनस माइनस प्लस हो गया दोनों को ऐड कर लेंगे ये देखिए टू पॉइंट ज़ीरो करेंगे तो ये हो जाता है नाइन पॉइंट टू तो माइनस नाइन पॉइंट टू यहाँ तक कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए अब हम देखेंगे ए सिक्स ए सिक्स देखेंगे ए सेवन देखेंगे ए सिक्स आपका माइनस नाइन पॉइंट टू आ गया है और ये पहले से ही प्लस माइनस माइनस हम डायरेक्ट कर रह दे रहे हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं माइनस टू पॉइंट ज़ीरो इक्वल टू तो ये प्रोसेस होता है सॉरी वन लाइन भूल गए हैं ये हो जाएगा ए फाइव प्लस डी ए फाइव की वैल्यू माइनस नाइन पॉइंट टू उसके बाद आप कर देंगे प्लस माइनस टू पॉइंट ज़ीरो इक्वल टू तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस नाइन पॉइंट टू प्लस माइनस माइनस ओके okay, टू दोनों सब्सट्राइए दोनों ऐड हो जाएंगे फिर से टू पॉइंट ज़ीरो हम इसे लिख सकते हैं इलेवन पॉइंट टू ओके हम ना ए सेवन निकालेंगे तो ए सिक्स प्लस डी ए सिक्स प्लस डी ए सिक्स माइनस इलेवन पॉइंट टू आया है प्लस माइनस टू पॉइंट जीरो इतनी वैल्यू आई है अब ये हम कर देंगे माइनस इलेवन पॉइंट टू प्लस माइनस माइनस टू पॉइंट ज़ीरो यहाँ तक कर लिए यहाँ तक आपको प्रोसेस समझ में आ गया अब नाउ हम आगे लिखेंगे यही हम जोड़ देंगे तो माइनस थर्टीन पॉइंट टू इतने पॉइंट्स आपका आ गए ए एन एस चलिए हम नेक्स्ट राउंड में देख लेंगे यहाँ तक आपको करेंगे मतलब तीनों टर्म्स निकाल लिए ये तीनों टर्म्स आपके आइंट तो आपका थ्री पॉइंट हो गया क्योंकि इसमें बताए थे हम ये फोर्थ वाला पॉइंट पॉइंट में आपको लगभग फिफ्टीन पॉइंट्स मिलेंगे दोस्तों तो हम सॉल्व करेंगे अब ना ये हो गया इतना अब चलिए डालते हैं फोर्थ पॉइंट आपका रहने वाला है फोर्थ पॉइंट फोर्थ फोर्थ में क्या क्वेश्चन होता है माइनस टेन कामा माइनस सिक्स काम माइनस टू आफ्टर दैट टू एंड सो इसे से हम सॉल्व करते हैं पहले देखते हैं ये ए पी होगा या फिर नहीं तो डी पहले टेन में निकाल लेते हैं तो डी इक्वल टू ए टू माइनस ए वन ए टू माइनस ए वन नौ हम जानते हैं अगर आप ये भी लिखना चाहते हैं विनो देट ए इक्वल टू माइनस टेन इतना आपका प्रोसेस दिया गया है ए टू माइनस ए वन ए टू कितना है माइनस सिक्स माइनस टेन इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस सिक्स माइनस सिक्स माइनस माइनस प्लस टेन इक्वल टू जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे ये हो जाता है नाउ मैं से सेकेंड प्रोसेस निकाल लेते हैं ए थ्री माइनस ए टू ए थ्री आपकी वैल्यू माइनस टू माइनस बीस में है फिर माइनस सिक्स ये हो जाता है माइनस टू प्लस माइनस माइनस प्लस एट सॉरी सिक्स ये क्या हो गया सिक्स अब सिक्स में टू सब्स ट्रैक कर देंगे प्लस कहने का मतलब आपका प्लस फोर डी इक्वल टू कितना आ रहा है प्लस फोर तो लिखेंगे यहाँ पे सो ए एन प्लस वन माइनस ए एन तो ऑलरेडी आपका फार्मूला था ये तो समझ में आ रहा है तो ए एन प्लस वन माइनस ए एन इज सेम एवरी टाइम एवरी टाइम ये एवरी टाइम सेम है तो सो द गिवन इक्वेशन द गिवन टर्म्स या फिर इक्वेशंस टर्म्स लिख लेंगे टर्म्स फॉर एन फॉर्म में फॉर्म ऑफ एपी ए पी का फॉर्म है तो नाउ हम जानते हैं नेक्स्ट थ्री टर्म्स थ्री टर्म्स क्योंकि आप जान लिए इसके साथ ले लेंगे तब हम आपको बताते हैं कि जब आपका ये प्रोसेस देख रहे हैं तीनों हो जा रहा है कि आप जान लिए हैं कि ये ए पी है सो दीवन टेंस वन एंड ए पी जब ये ए पी है तो हम थ्री टर्म्स निकालेंगे ऑलरेडी तो थ्री टर्म्स निकालने के लिए ए फोर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर दिया गया तो ए फाइव निकालेंगे फाइव इक्वल टू ए फोर प्लस डी ए फोर की वैल्यू यहाँ पे टू है एंड प्लस डी की वैल्यू ये देखिए फोर है तो ये हो जाता है सिक्स ऐसा ना हम ए सिक्स निकालते हैं सिक्स कितना हो जाता है आप जानते ही हैं कि जब कोई भी वैल्यू निकालते हैं तो एक से कम रहेगा तो ए सिक्स है तो फाइव होगा फाइव है तो फोर होगा थ्री है तो टू होगा इक्वल टू ए फाइव की वैल्यू आपको पता है सिक्स डी की वैल्यू फोर तो ये हो जाएगा टेन ना हम निकालेंगे A7. ए सेवन ए सेवन हो जाएगा ए सिक्स प्लस डी ए सिक्स की वैल्यू टेन प्लस फोर इक्वल टू फोर्टीन यहीं पे आपका कैमरे मैसेज दिख रहा होगा आप नोट डम कर लेंगे यहाँ तक आपका प्रोसेस सेम हो जाता है अब नाउ हम करेंगे आगे आगे का प्रोसेस देखेंगे इतना पहले स्क्रीन इस, शॉट ले लीजिए आप चलिए अब हम बताते हैं फोर्थ द फिफ्थ पॉइंट ऐसे सेम करना है बस आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों सिर्फ तो सिर्फ आप फटाफट वही टर्म्स निकालते चलेंगे अगर ए पी है तो आप थ्री पॉइंट्स निकालेंगे अरे ए पी नहीं है तो वहां पे ए पी नहीं लिखेंगे अब ये हो गया फिफ्थ टर्म फिफ्थ आपका क्या क्वेश्चन दिया जा रहा है फिफ्थ है कि थ्री प्लस थ्री का थ्री प्लस अंडर रूट टू आफ्टर दैट थ्री प्लस टू अंडर रूट टू कामा 3 थ्री प्लस थ्री प्लस टू अंडर रूट टू उसके बाद थ्री प्लस थ्री अंडर रूट टू थ्री अंडर रूट टू इतना दिया दिया गया है क्वेश्चन में अब ना हम इसे सब्सक्रैक करके निकालेंगे इतना तो पहले हम क्वेश्चन नोट करेंगे इतना हम क्या करेंगे क्वेश्चन नोट करेंगे आफ्टर दैट हम वही प्रोसेस लगाएंगे ना चलिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं सेम प्रोसेस वही करेंगे हम लिखेंगे d इक्वल टू ए टू माइनस ए वन ए टू आपकी वैल्यू थ्री प्लस अंडर रूट टू माइनस ये हुआ थ्री तो हम इसे ना कर सकते हैं थ्री से थ्री कैंसिल हुआ बचा कितना प्लस में अंडर रूट टू कैंसिल तो करेंगे ही ना चलिए फिर डी की वैल्यू हम निकालते हैं ए थ्री माइनस ए टू ए थ्री की वैल्यू कितनी है ए थ्री आपका ये है ए वन ए टू ए थ्री एंड ए फोर ए फाइव ए सिक्स एंड सो ऑन प्रोसेस आपका यही चलता रहता है ये हुआ थ्री प्लस टू अंडर रूट टू माइनस बीच में होता है टू माइनस ए टू की वैल्यू थ्री प्लस अंडर रूट टू ना हम इसे लिख सकते हैं थ्री प्लस टू अंडर रूट टू माइनस का हो जाएगा मल्टीप्लाई माइनस थ्री माइनस अंडर रूट टू माइनस थ्री माइनस थ्री कैंसिल टू अंडर रूट टू में से अंडर रूट टू सब्स करेंगे तो अंडर रूट टू बच गया अब देखिए इसमें और इसका प्रोसेस दोनों का सेम आपका अंडर रूट टू डिनोमिनेटर आ रहा है कहने का मतलब डी डी इक्वल टू अंडर रूट टू प्लस में आपके आ रहे हैं सो so, हम यहाँ पर लिखेंगे कि एन प्लस वन माइनस ए एन इज सेम एवरी टाइम सेम एवरी टाइम अभी कहेंगे मैम कि सिर्फ दो ही प्रोसेस निकाली अरे भैया कोई प्रॉब्लम्स नहीं आप चाहे दो वैल्यू निकाली है फिर तीन आपके अगर सेम आ रहे हैं डी डी की वैल्यू तो आपकी ए पी होना ही होना है तो हम नाउ इसके बाद क्या कर लेंगे आगे का प्रोसेस हम फिर से निकालेंगे इसमें इतना तो प्रोसेस हो गया अब लिखेंगे सो द गिवेन टर्म्स फॉर्म एंड ए पी गिव एन टर्म्स फॉम एंड एपी ए पी नाव है तो हम लिखा लेंगे नाव नेक्स्ट थ्री टर्म्स नाव नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या होता है ए फोर तक दिया गया है ए फाइव पे क्या लेंगे ए फाइव इक्वल टू हम लिख सकते हैं दोस्तों ए फाइव की वैल्यू आपकी हो जाएगी ए फोर प्लस डी ए फोर की वैल्यू थ्री प्लस थ्री अंडर रोट टू प्लस डी की वैल्यू आपकी अंडर रोड टू विनो दैट हम जानते हैं कि आपका कॉपी अगर अलग है तो हम अलग से लिख लेंगे और रूट में जो होता है वो रूट में ही डिवाइड भी होता है और वो सब्सट्रैक्ट भी होता है सॉरी डिवाइड नहीं आप उसे ऐड करेंगे तो ये रूट टू थ्री अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट टू वो कितना जाएगा थ्री प्लस वन कितना होता है भैया फोर ही होता है होता है थ्री तो अलग से लिख लिए तो ये फोर अंडर रूट टू आ गया अब ना हम करेंगे ए सिक्स ए सिक्स कर लेंगे तो ए फाइव प्लस डी ए फाइव की वैल्यू थ्री प्लस फोर अंडर रूट टू प्लस डी की वैल्यू पता है अंडर रूट टू है तो ये हो जाएगा थ्री प्लस फोर एक फाइव फाइव अंडर टू एक बढ़ता ही चला जाएगा ओके ए सेवन नाउ हम निकाल लेते हैं ये तो आप फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं अभी हम तो पार्ट इसमें और सॉल्व करवाएंगे दोस्तों ये हो जाएगा ए सिक्स प्लस डी ए सिक्स की वैल्यू आपकी थ्री प्लस फाइव अंडर रूट टू है प्लस उसके बाद डी की वैल्यू अंडर रूट टू ये हो जाएगा थ्री प्लस फाइव एक सिक्स अंडर रूट टू ए एन येस भैया आंसर आ गया चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं चलिए दोस्तों और आपके लिए एक ख़ास और बात ये रहने वाली है कि आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे बट लास्ट वाले वीडियोस में ओके okay? तो लास्ट वाला जिस दिन लेक्चर ये वाला इस चैप्टर का ख़त्म होता है उसमें आपको पीडीएफ नोट्स आल वीडियोस में मिलेंगे चलिए नाउ सेकंड यानी कि फाइव आफ्टर दैट कितना आता है सिक्स आता है सिक्स का पॉइंट आता है ज़ीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट टू ज़ीरो पॉइंट टू टू फिर है जीरो पॉइंट टू 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 जीरो पॉइंट टू 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 एंड सो ऑन। यानी कि एक टू की वैल्यू बढ़ती ही चली जा रही है अब यहाँ पर निकाल लेते हैं डी की वैल्यू ए टू माइनस ए वन ए टू की वैल्यू जीरो पॉइंट टू टू माइनस ज़ीरो पॉइंट टू हम करेंगे सब्सट्रैक कर सकते हैं ये हो जाएगा ज़ीरो पॉइंट टू सब्सट्रैक करेंगे टू आ जाएगा ज़ीरो करने का मतलब है जीरो पॉइंट पॉइंट जीरो टू इतना आ गया ना हम करते हैं डी फिर निकालते हैं ए थ्री माइनस ए टू ए थ्री की वैल्यू आपको जीरो पॉइंट टू 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 माइनस जीरो पॉइंट टू टू ये हो जाएगा पॉइंट जीरो जीरो टू सब्सक्राइब करके देख लेते हैं जीरो पॉइंट टू टू ये देखते हैं ये दो आ जाएगा जीरो जीरो ये देखिए पॉइंट जीरो जीरो टू यानी कि जितने बाद आफ्टर दैट पॉइंट रहेगा वही उतने जीरो बढ़ जाएंगे थर्ड भी निकालना चाहते हैं तो ए फोर माइनस ए थ्री कर लेंगे हो जाएगा जीरो पॉइंट टू 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 कितने भैया टू हैं जीरो पॉइंट टू 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 तो हम इसे करेंगे पॉइंट जीरो 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 टू ओके इतना आपका मेथड आ गया अब यहां तक नाव आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स तो आई गेस आपको लेक्चर बहुत अच्छा लग रहा होगा ये क्या आपको लगता है कि ए पी है आप क्या जानते हैं कि ये ए पी है नहीं है जीरो टू पॉइंट जीरो 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 तब टू आया है ये बिल्कुल भी ऐड नहीं होता है तो यहां पर नाव लिखेंगे ए टू माइनस ए वन इज नॉट इक्वल टू ये यही प्रोसेस तीनों है ए थ्री माइनस ए टू इज़ नॉट इक्वल टू ए फोर माइनस ए थ्री ये आपस में इसका फॉर्म हो ही नहीं रहा है तो ये फॉर्म ए पी है ही नहीं जब ए पी है नहीं तो हम इसे टर्म्स निकालेंगे नहीं चलिए नाउ नेक्स्ट पॉइंट सॉल्व करते हैं इतना इसके शॉर्ट ले लीजिए फटाफट नोट डाउन कर लेकिन तो अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है फ्रेंड्स तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं साथ साथ आपको पी नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे बहुत जल्द ही तो ये आपके बेस्ट आप की बात रहेगी अब ना हम सेवन पॉइंट नोट करते हैं सेवेंथ पॉइंट क्या रह गया जीरो का काम माइनस फोर ये है जीरो का काम माइनस फोर माइनस एट माइनस ट्वेल्व एंड सो ऑन चलिए आगे को प्रोसेस हम क्या देखते हैं डी की वैल्यू निकालते हैं डी इक्वल टू ए टू माइनस ए वन ए टू है माइनस फोर माइनस जीरो वो कितना जाएगा माइनस फोर फिर डी की वैल्यू निकालेंगे ए थ्री माइनस ए टू ए थ्री आपका माइनस एट है माइनस बीस में माइनस फोर है इक्वल टू माइनस एट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस फोर फिर डी की निकाल सकते हैं तो ए फोर माइनस ए थ्री आप टू ही टर्म्स निकाले हम आपको बताए थे दोस्तों तब भी आपको उसमें मिल सकता है माइनस ट्वेल्व माइनस माइनस एट ये हो जाएगा माइनस ट्वेल्व प्लस एट इक्वल टू माइनस फोर तो आपका ये देखिए d की वैल्यू माइनस फोर आ रही है तो ना हो डी इक्वल टू माइनस फोर अब यहाँ पे लिखेंगे ए एन प्लस वन माइनस ए एन इज सेम एवरी एवरी टाइम एवरी टाइम सेम है सो द गिवन टर्म्स फॉर्म ऑफ एन ए पी एन ए पी ये आपका फॉर्म कैसा है ए पी है तो ए पी है ना तो कंडीशन क्या रखी गए अरे भैया ए पी है तो कंडीशन रखी गई है थ्री टर्म्स की ना थ्री टर्म्स देख लेते हैं नेक्स्ट थ्री टर्म्स भैया प्लूरल है प्लुर रह तो आर लगाएंगे नहीं तो इंग्लिश पढ़िए फटाफट इंग्लिश का ज़माना है क्यों मैथ्स में भी इंग्लिश यूज हो रहा है इंग्लिश मीडियम में आप लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों तो इंग्लिश भी साथ साथ लेके चलिए ओके चलिए अब ना हम देखेंगे ये हो जाएगा फोर पॉइंट तक दिया गया है ए फाइव देख लेंगे फाइव तक दिया गया है ए सिक्स देख लेंगे थ्री टर्म्स हमको ज्ञात करना है लेकिन हाँ इंक्रीजिंग में चलना है डिक्रीजिंग नहीं चलना ओके तो ये हो जाएगा ए फोर प्लस डी इक्वल टू हम इसे नाउ कर सकते हैं ए फोर प्लस डी भैया क्या होगा ए फोर की वैल्यू माइनस ट्वेल्व है इसकी वैल्यू माइनस फोर है बीस प्लस माइनस फोर हो जाएगा माइनस ट्वेल्व प्लस माइनस माइनस फोर माइनस एटीन ओके सिक्सटीन होगा भैया ये सिक्सटीन हुआ ओके अब हम नेक्स्ट टाइम ए सिक्स ज्ञात करेंगे तो ए फाइव प्लस डी ए फाइव की वैल्यू हमारी माइनस सिक्सटीन प्लस माइनस फोर इक्वल टू माइनस सिक्सटीन माइनस फोर माइनस ट्वेंटी ओके ए सेवन निकालेंगे तो ए सिक्स प्लस डी ए सिक्स की वैल्यू माइनस ट्वेंटी प्लस माइनस फोर इक्वल टू माइनस ट्वेंटी माइनस फोर इक्वल टू माइनस ट्वेंटी फोर ओके ए यानी यस तो आई गेस आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा चलिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए फटाफट नोट डाउन कर लेते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं तो ना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में इसके कुछ भी स्टेप्स बचे हैं ये मैं सोचिएगा कि आप फाइव पॉइंट टू में आप तुरंत इंट्री करने वाले अभी नहीं दस मिनट बाद इसके बाद आपको 20 मिनट का लगभग लेक्चर मिलेगा इसके सारे पार्ट्स उसमें सेकंड में आपको सॉल्व कराए जाएंगे थैंक यू दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में कुछ एक्स्ट्रा लेख करके के उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन पार्ट मिलेगा और साथ ही साथ आप अगर वीडियो समझ में आया हो अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप एक लाइक ज़रूर करके जाइए क्योंकि आपके एक लाइक से हमारे भी उत्साह बढ़ते हैं कि नहीं कितने बच्चे पढ़ रहे हैं किसको समझ में आ रहा है या फिर नहीं है अगर कुछ भी न समझ में आता है या फिर जैसा भी वीडियो लगता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट थैंक यू दोस्तों